डायबिटीज जीडीएम जी। अच्छा मैडम, एक पेशेंट हमने इन और ग्रेविडा पैरा क्या थी? ग्रेविडा 9, शी इज ग्रेविडा 9 पैरा, नो लाइफ डेड, नो लाइफ इशू। अच्छा, और पिछले जो नो लाइव इशू थे उनकी रीजन क्या थी? क्योंकि ये जानना, ये सबसे पहला सवाल है जो एग्जामिनर आपसे करेगा कि जो पिछली जो थी फीटल डेथ्स थी उनकी क्या वजह थी, वर दोज आईयूडी या फिर अर्ली नियोनेटल डेथ थी? सारी आईयूडीज थे। हाँ, तो उसकी तो वजह जानना फिर जरूरी है। मैडम, लेकिन कैसे, जनरल क्वेश्चन है, हमने एक पेशेंट डायबिटिक है, हमने उसे इन पेशेंट रखा, वो कंट्रोल हो गई इंसुलिन की एक पर्टिकुलर डोज पे, अब उसको हम घर भेजना चाह रहे हैं, तो मैडम कितने लेवल विद 8 आईयूडीज? नहीं, इसको नहीं, जनरली कोई पेशेंट। अच्छा, तो इस पेशेंट को एडमिट नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी हम इस पेशेंट की शायद बात नहीं कर रहे, वो जनरल क्वेश्चन है ना उनका। तो देखो, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, कहाँ रहती है, कितनी को कंप्लाइंट है, कितना को आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एडहेयर कर सकेगी, इंसुलिन की कैलकुलेशन, उसके सारी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने का उसको तरीका पता है या नहीं पता। वो तो ज़ाहिर है आप डिस्चार्ज टाइम पे ये सारा कुछ बता के भेजते हो, बट इवन देन हाउ मच शी कैन एडहेयर टू योर इंस्ट्रक्शंस। और ऐसा तो नहीं है कि घर पे कोई उसका प्रॉब्लम हो जाए, मतलब जीडीएम जाहिर है उतनी बहुत सवेरिटी ऑफ सिचुएशन उसके हिसाब से उतनी नहीं होती इफ़ इट इज़ कंट्रोल्ड, क्या और कोई उसमें फीटल मेटर्नल कॉम्प्लिकेशन सो फार हैज़ नॉट बीन डिटेक्टेड। अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो उसमें उसको भेजा जा सकता है, बट विद दीज कंडीशंस, क्योंकि फिर सारी आपको इंस्ट्रक्शन दे के भेजनी पड़ेंगी उसको। देखो, उसमें जनरली ऑन अ कंट्रोल्ड डायबिटिक दो फास्टिंग एंड दो पोस्टप्रेंडियल इन वन वीक डेली बेसिस पे उसके 6-6 लेवल करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड इवन नॉट रिक्वायर्ड एक कंट्रोल्ड डायबिटिक जो होता है। और जाहिर है उसके में इंसुलिन के साथ साथ आपने उसको फिर बाकी ये सारा डाइट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में फिर उसको वो भी सारा उसको एजुकेट करना होता है। ठीक है, जो ये पेशेंट थी, ये जो ग्रेविडा, नो अलाइव इशू, इस पेशेंट में सारी आईयूडीज हैं, और मैं पिछली दफा सिर्फ दो प्रेगनेंसीज में उसने हॉस्पिटल में डिलीवर किया जिसमें हाइपरटेंशन थी बट ब्लड शुगर वाज नॉट डिरेंज्ड, लेकिन इस प्रेगनेंसी में थर्ड मंथ से ही ब्लड शुगर लेवल डिरेंज्ड है, ओजीपी हुआ, उस वक्त शायद रैंडम हुआ वो डिरेंज्ड। और लास्ट प्रेगनेंसी और अब की प्रेगनेंसी में इंटरवल कितना है? इंटरवल 1.5 ईयर, उसके दौरान कोई फॉलोअप कुछ नहीं, क्योंकि अगर इसका इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया इन थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मींस दैट दिस इज नॉट जीडीएम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी डायबिटिक थी बट सम हाउ और अदर शी हैज नॉट बीन डिटेक्टेड, क्योंकि कुछ डायबिटिक्स ऐसे होते हैं जिनमें इवन कोई साइन सिम्टम्स भी नहीं होते, एंड इफ रैंडमली यू चेक द ब्लड शुगर लेवल्स इवन दैट इज नॉर्मल। यही वजह है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो जीटीटी की है वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मतलब ये जो एशिया है ये एक हाई रिस्क पॉपुलेशन, यहाँ पे हम इसको एक रिस्क फैक्टर के तौर पे लेते हैं, तो इसलिए हर पेशेंट का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फिर यही होती है। अब जीसीटी का उस तरह से कोई रोल नहीं है, क्योंकि जीटीटी में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इज़ रिकमेंडेड इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, बट as due to the increased workload जो हमारी population है उसके हिसाब से not practically possible, तो हम high risk population में ये कर लेते हैं। एक ऐसा patient जिसकी previous एक भी IUD है उसमें GTT indicated है। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं उसकी सिग्निफिकेंस बता रही हूँ कि एक भी पहले IUD हो जाए तो वो एक रिस्क फैक्टर है, फिर उसमें GTT ज़रूर करवाओ। मैम, मैं एंटीफॉस्फोलिपिड के बारे में पूछना चाह रही थी कि प्री एक्लैम्प्सिया की भी दो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, आईयूडीज भी इतने सारे हैं, पहले वर्कअप नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आई है 9th प्रेगनेंसी में, तो मैडम हम इसको डिलीवरी तक, इसका पैटर्न ऑफ आईयूडीज क्या है, मतलब कितनी जेस्टेशन पे ये होता है? All at 8 months. उसके साथ कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाली चीज? वो abdomen was not doing according to dates. वो है, और साथ में delivery. बाकी birth weight जो है वो patient से तो आपको according to gestation उसको लगता था, हम लोग कहते थे lighter कम होता था delivery के time, पानी नहीं आता। वो तो देखो placental hypoperfusion उसकी भी हम एक reason कह सकते हैं if there is hypertension. लेकिन ऐसे patient में चाहे IUGR नहीं भी है, on these basis, on the basis of this specific history, APLS की screening ज़रूरी है।
क्योंकि हाइपरटेंशन भी है, आईयूडीज भी हैं, ये सारा है, प्लेसेंटल हाइपरपरफ्यूजन वाले तो सारे उसके सिम्टम्स हैं ही हैं, मे बी आईयूजीआर हो, वो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो हम जिस पे हम कमेंट नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि ऑल वर होम डिलीवरीज। अगर उसकी प्रीवियस दो जो हॉस्पिटल डिलीवरीज हैं, एटलीस्ट उसकी डिस्चार्ज स्लिप या कोई भी उसका डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल हो, वी कैन गेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज डॉक्यूमेंट्स, अगर पॉसिबल हो तो। अगर ना हो तो कम से कम इसमें फिर भी हम इसको उन लाइंस पे लेके चलते हैं। देखो, आईयूडी का एक रोल ये होता है कि आपने उसको पूरा स्क्रीन करना है। आपको एक रीज़न मिल भी जाती है ना, सपोज आपको इस प्रेगनेंसी में इसकी डायबिटीज मिल गई, इवन देन यू हैव टू स्क्रीन फॉर द अदर कॉसेस। उसमें सिर्फ इसी एक पे फोकस नहीं करोगे, मे बी दिस इज जस्ट एन इंसिडेंटल फाइंडिंग कि वो आपको रैंडमली एक इन्वेस्टिगेट करते करते आपको एक जो है वो लैब रिपोर्ट ऐसी मिल गई, बट विल यू लेबल इट एज द सोल कॉज फॉर दोज आईयूडीज? नो, क्योंकि इसमें फिर आप बाकी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हो। तो इसलिए उसकी फुल स्क्रीनिंग, और ख़ास तौर पे इस पेशेंट में तो बहुत सारी आईयूडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फिर सारी चीज़ें फिर देखो इसमें। अब मैं अपने मैनेजमेंट प्लान में रखूँ, क्योंकि सर ने कहा है कि नहीं रखना, जब आपको एक डायग्नोसिस मिल गया है तो आप साइड लाइन में जाएंगे, लेकिन आपकी गाइडलाइन ये कहती हैं, इसमें देखो थोड़ा सा व्यू पॉइंट फ़र्क हो सकता है, आपकी गाइडलाइन ये कहती हैं कि अगर आपको एक कॉज मिल भी जाती है, आप डिस्कशन में मेनली उस पर फोकस करोगे कि ये मुझे कॉज मिली है, मे बी इवन देन यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि दिस इज़ द ओनली कॉज, कि मे बी दिस इज द कॉज इन फॉर द लास्ट प्रीवियस आईयूडीज बट इट हैज़ नॉट बीन डिटेक्टेड। इसका थर्ड मंथ से ऑनवर्ड अभी हो जाना, इसका मतलब है ये पहले से चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी ज़रूर सॉर्ट आउट करो। आई एम फॉर दैट ओपिनियन, मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आप, हो सकता है बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक आए, वो आपकी पेशेंट की कॉस्ट और ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस पेशेंट के लिए जिसकी 7 आईयूडीज हो चुकी हुई हैं, इसमें शायद कॉस्ट वाला इशू फिर ज़रा पीछे रह जाएगा, तो उसमें फिर आपने सारा कुछ ही करवाना है। हाँ, मतलब ये है कि अब इस ये प्रेगनेंसी अगर इट हैज़ बीन एक्सीडेड सो फार, तो इसमें इस वक्त तो करवाने का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि APLS की स्क्रीनिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी इज मोर स्पेसिफिक, क्योंकि प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन की वजह से उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से फिर आप उसको आउट ऑफ प्रेगनेंसी इफ़ पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसा है कि पेशेंट अर्ली आपके पास आ गई, प्रीवियस इतनी आईयूडीज हैं, यू हैव टू स्क्रीन फॉर ऑल द कॉजेज, तो वहाँ पे फिर आप जो है वो ये करवा लेते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट नॉट इन अ केस ऑफ एडवांस जेस्टेशन, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट पहुँच गई है, देन फोकस ऑन दैट कॉज विच हैज़ बीन डिटेक्टेड, जैसे हाई ब्लड शुगर लेवल जिस केस में डिटेक्ट हुए, फिर उसकी मैनेजमेंट पर फोकस करो। चलो जी, कोई वो नहीं है, कोई कॉपी, कोई किसी के, कोई भी चीज़ दे दो। माय पेशेंट मिस, चलो रहने दो, कोई नहीं है तो। हाँ जी, पेशेंट मिसेस आसफा अर्शद, वाइफ ऑफ मिस्टर अर्शद अली, 35 ईयर ऑफ एज, शी इज प्राइमरी पास हाउस वाइफ, प्राइमरी पास, हाँ प्राइमरी पास, अच्छा प्राइमरी पास, वो प्राइमरी पास, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या लफ्ज बोल रहे हो। अच्छा, रेजिडेंट ऑफ नारंगवाला, शी इज मैरिड फॉर लास्ट 15 ईयर टू हर कजन एंड इट इज द फर्स्ट मैरिज ऑफ बोथ पार्टनर, ग्रेविटी 6 पैरा 5 अबॉर्शन 0 प्रीवियस ऑल एसवीडी, हर लास्ट चाइल्ड बर्थ वाज 5 ईयर, ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी पैरा कितनी बताई, ग्रेविटी 6 पैरा 5 अबॉर्शन 0 प्रीवियस ऑल एसवीडीज, her first day of last menstrual period she was not sure of date but according to her it was on first ramzan if we go for that dates her first day of last menstrual period was on 17th of may 2018 making her expected date of delivery on 24th of feb 2018 and she is at 29 plus 1 week of gestation at this time. She is admitted through outpatient department of Lady Wellington Hospital with the complaint of gestational amenorrhea for 7 months, absent fetal movement for last 7 days.
and she was admitted for the evaluation of the cause of intrauterine demise and for the termination of the pregnancy. Mm. It is her spontaneous unplanned conception without any prenatal care. The pregnancy was confirmed by the urine test at Narang Hospital when she was overdue by 2 months. At that time, ultrasound was done, and that was reassuring, and it shows a single intrauterine pregnancy, a viable pregnancy. The date of that ultrasound was not known to the patient. There is a history of excessive nausea, vomiting during first trimester. There is no history of folic intake, no history of fever, flu, rash, no history of vaginal spotting, and any abnormal vaginal discharge. There is no history of dysuria, burning, maturation. She perceived her first fetal movement at 5th month of gestation, but she didn't correlate with any calendar date. Her 11-week and 20-week scan was not done. She has monthly antenatal visit at Narang Hospital, where her baseline investigation was done. Her BP was checked and it was found to be normal. And according to the patient, it was 110 by 80 millimeter of mercury. There is no history of headache, blurring of vision, epigastric pain and vomiting. No history of increased frequency of urination, increased appetite and weight. There is no history of generalized body pruritus and the history of heat and cold intolerance. There is no history of easy fatigability, lethargy and shortness of breath. No history of PV leaking and PV bleeding. She had a complaint of absent fetal movement for last 7 days. For that, she visited a local lady health visitor. Her ultrasound was carried out, and that shows that there was intrauterine death. The lady health worker told her that the baby was not alive. For this complaint, she was referred to the Lady Wellington Hospital for the evaluation of the cause of the IUD and for the termination of pregnancy. Since her admission, she was monitored. she was monitored. Her vital record were kept. Her BP was checked 4 hourly, and it was found her BP was 140 by 90 millimeter of mercury. Ultrasound was carried out that showed an absent fetal cardiac activity. The Likert was volume was normal, and according to the patient, there is an increase of fluid within the abdominal cavity, the fetal abdominal cavity. The counseling regarding the mode of the delivery was done. Regarding her obstetrical history, she is gravida 5, para 5 plus 0, 3 baby girl and 2 baby boy. Her last child birth was 5 years back. Her first conception was 14 years back. It was spontaneous conception 3 months after the marriage. It was unplanned and ended up at 9 months of pregnancy by spontaneous vaginal delivery at Leiding Wellington Hospital. Baby boy was delivered of average weight. Apgar score was not known to the patient. The baby was breastfed and vaccinated. The second conception was 12 years back, and it was also the spontaneous and unplanned conception, and it is ended up at 9 months of gestation by spontaneous vaginal delivery again in Lady Wellington Hospital, and the baby girl was delivered with an average weight and the baby was breastfed and vaccinated. There is no history of antepartum, intrapartum and postpartum complication. The third conception was 10 years back. It was also the spontaneous conception, and it is ended up at 9 months of gestation by spontaneous vaginal delivery at Narang Hospital, and the baby girl delivered with average weight, and Apgar score was not known to the patient, and the baby was breastfed and vaccinated. The fourth conception was 6 years back. It was also the spontaneous and unplanned unplanned pregnancy. It is again ended up at 9 months of gestation by spontaneous vaginal delivery again in Narang Hospital, and the baby girl was delivered with average weight. Apgar score was not known to the patient. The baby's breastfed breastfed and vaccinated. Fifth conception was 5 years back, and it is again the spontaneous and the unplanned conception.
It is again ended up at 9 months of gestation by spontaneous vaginal delivery at Narang Hospital. And during this conception, the patient has a complaint of raised blood pressure. According to the patient, her BP was 140 by 90 millimeter of mercury. She was not taking any antihypertensive drug. And the pregnancy was ended at 9 months of gestation by spontaneous vaginal delivery at Narang Hospital. Baby girl was delivered with good Apgar score and average weight, and she was breastfed and vaccinated. Her she menarche at 14 year of age. Her cycle was regular 4 by 28 day with average flow. There is no history of intermenstrual postcoital bleeding. Pap smear was never taken in the couple. Never practiced any contraception. They use coitus interruptus as a method of contraception. Her mother is a diabetic, however there is no history of hypertension, ischemic heart disease, renal disease and the liver disease. There is no history of the TB asthma and the TBT autoimmune disease in the family. No personal in the family history of any congenital anomaly, twin pregnancy or any blood transfusion. She is non-smoker, non-addict. Having good appetite. Her husband is a tailor by profession, and he earn about 25,000 per month, and they are 12 dependent in her own home, and the basic necessity of life they are met with difficulty. A 35-year-old and anxious-looking lady sitting comfortably in a bed, well-oriented with time and space. She is fully conscious and oriented. Her height is 5 feet 2 inches and weight is 73 kg, making her BMI 29 kg per meter square. Her pulse was 96 beat per minute with good volume and regular rhythm. Her temperature was 98 Fahrenheit. The blood pressure was 150 by 90 millimeter of mercury. Respiratory rate is 16 per minute. She is not pale, jaundiced. There is no clubbing, colonychia, leukonychia. Petal edema was not present. Thyroid was not enlarged, and her oral dental hygiene was satisfactory. All accessible lymph nodes are not palpable. Bilateral breast, they are normal looking with no lump felt in all four quadrant of the breast. Normal vesicular breathing with no added sound. Her apex beat was in fifth intercostal space, just lateral to the mid-clavicular line, and the first and second sound was audible with no added sound. Abdomen was abdominal examination, the abdomen was protuberant with center inverted umbilicus with visible stria and with visible stria and hernia orifice were intact. Symphysio fundal height correspond to 36 week of gestation with longitudinal live breech presentation. The Likert seemed to be adequate, and the fetal cardiac activity was not audible at that time. And the estimated fetal weight was about 2 kg, approximately 2 kg. This is all. Symphysio fundal height is 36. Okay, summarize your case. Ma'am, a 36-year-old lady, gravida 6, para 5, abortion 0, previous all SVD at 29 week of gestation, with a diagnosed case of intrauterine fetal demise. Her symphysio fundal height correspond to 36 week, 36 centimeter, and with a longitudinal live breech presentation. Fetal cardiac activity was not audible, and she was admitted for the evaluation of the cause of intrauterine death and for termination of pregnancy. How you have investigated her so far? Ma'am, her baseline investigation was done, and ma'am, blood group is B positive. Ma'am, aapko main investigation bata Ma'am, blood group was B positive. Her HP level is 11.2 gram. TLC count, ma'am, 9,000. Platelet was 1,63,000. Her blood sugar random was 78 milligram per deciliter. Ma'am, complete urine examination was normal. Hepatitis B surface antigen and NTHCV, ma'am, their viral marker are also negative. And ma'am, LFTs and RFTs, they are also normal. And ma'am, dating scan nahi tha uske paas, aur ma'am, coagulation profile mein fibrogen jo tha wo awaited tha, aur PTA-PTT was normal. Ma'am, but on ultrasound, her gestational... Abhi ultrasound nahi. Achha,
So what is your diagnosis based on your history, examination and the investigations? Ma'am, the intrauterine demise hai because of ma'am, because her gestational age, the fundal height not corresponding to her gestational age. Ma'am, mere mind mein tha ki shayad diabetic ho is wajah se hai, but her BSL blood sugar random was normal. Patient herself told me that according to her, the, on the ultrasound report, there is excessive fluid in the abdominal cavity of fetus. So, ma'am, there might be the case of hydrof in this case. She has blood group of B positive. Then what may be the reason of this hydrof spitalis, if we take it as a cause of iodine in this case? Yes, ma'am. Infection. What sort of infections? Viral infections. What type of viral infections? Ma'am, usme parvovirus. Cytomegalovirus. And torch infections might be. This case is very confusing. I was not. That's why I'm discussing this. Okay. So, what do you think, how torch infections can lead to intrauterine fetal death? What is included in torch infections? Pehle to ye batao. Ma'am, toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella, and congenital syphilis, and parvovirus B90. Parvovirus is included in torch infections? No. Among all these infections which you have just mentioned, which one is most important in link with this hydrops fetalis? Parvovirus. Abhi uska viva chal raha hai, abhi nahi bolna. Hum baad mein ispe baat karenge. Acha. Sirf apne questions note karte jao, jo ye answer deti hai aur phir. Parvovirus. How it cause hydrops? Ma'am, the basic pathophysiology in hydrof is the congestive cardiac failure. Ma'am, if we consider the infection, they causes the basically they causes the increase in the hydrostatic pressure and decrease in the osmotic pressure. And how it causes decrease in osmotic pressure? Ma'am, when there is an infection, it causes the liver dysfunction, and because of liver dysfunction, there is a decrease in the production of albumin. Is it only with the parvovirus or with any viral infections? Ma'am, all infections, they causes, ma'am, they are cardiac toxic as well, they causes the myocardium damage. So if the patient is having influenza, why she cannot have hydrop spitalis? That is again a viral infection. So what is typical of parvovirus? Okay, what is the common presentation of other torch infections? You have just mentioned toxoplasmosis, cytomegalovirus, and history of fever, flu, rash, none these symptoms. No, but how it causes IUD? Usme common fetal complication kya hoti hai? I'm not asking about the maternal symptoms, but how, what are the fetal complications along with torch infection? Ma'am, they causes the hemolysis, fetal hemolysis, and then they causes congestive cardiac failure, and anomalies bhi karte hai, ma'am, they causes fetal anomalies. Okay, what can be the other reasons of this fetal ascites and increased liquor in this case? As has been told by the patient, yes, then on ultrasound. Ma'am, liquor was normal. Only, ma'am, she was saying that mere bacche ke pet mein paani. Achha, chalo. To kya uski cause kya hai? Aur kya ho sakti ye cause? Kuch to aapne mention kar di. Ma'am, it might be because of congenital anomalies, ma'am, like cardiac anomalies, but it might be because of any hemoglobinopathy like alpha thalassemia, and
मैम प्लेसेंटल कॉजेस में मैम कोरियो एंजियोमा हो सकते हैं दैट आर लीस्ट एंड chromosomal abnormalities, aneuploidies. What type of chromosomal anomaly can lead to this? Turner syndrome, Down syndrome and Turner syndrome. वो fetal ascites कर सकती हैं. Mam, they causes non-immune hydroxyl. Down syndrome and what? Turner syndrome. अच्छा और तो apart from ultrasound, what else you will do in this case? कोई और इन्वेस्टिगेशन जो आप इसमें करवाना चाहो ब्लड शुगर लेवल तो इसका 78 था पेशेंट डजंट गिव एनी सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज फिर मैम हर मदर इज डायबिटिक एंड शी बिलोंग टू द एशियन पॉपुलेशन देन मस्ट गो फॉर ओजीटीटी एंड मैम आई विल गो फॉर थायराइड प्रोफाइल एज वेल वो क्यों मैम आईयूटी है एंड थायराइड प्रोफाइल का इस ये जो फाइंडिंग्स है अल्ट्रासाउंड पे जो पेशेंट ने आपको बताई हैं उसका कोई लिंक है उसके साथ मैम थायराइड प्रोफाइल में आप मैम व्हेन अगर तो मैम अल्ट्रासाउंड नहीं मिलेगा देन आई विल गो फॉर दैट बट द पेशेंट हैज टोल्ड यू सम फाइंडिंग्स सो यू हैव टू रिलाय ऑन व्हाट शी सेज ठीक है तो फिर उसमें करवाने की क्या वजह है शी इज़ नॉट गिविंग एनी सिम्टम ऑफ हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म देन व्हाई यू विल डू थायराइड फंक्शन टेस्ट मैम सब क्लिनिकल थायराइड डिसफंक्शंस दे कॉसेस आईयूटी आई वाज थिंकिंग अबाउट थायराइड प्रोफाइल इन दैट लाइन जबकि पेशेंट ने बता दिया अल्ट्रासाउंड पे ये फाइंडिंग्स है फिर भी नो मैम देन अच्छा एल एफ टीज आर एफ टीज क्यों करवाए थे मैम बिकॉज बी हर बी एस हर प्रेशर वाज 150 बाय 90 एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन सो आई विल गो फॉर पीआईएच इन्वेस्टिगेशन एंड हर देयर इज हिस्ट्री ऑफ रेज पीपी इन द लास्ट प्रेगनेंसी एज वेल सो दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग मैम गोइंग फॉर एल एफ टीज एंड आर एफ टीज एंड यूरिन एल्ब्यूमिन अच्छा और ये फिब्रिनोजेन एपीटीटी क्यों मैम बिकॉज शी हैज अ एब्सेंट फीटल मूवमेंट फॉर लास्ट वन वीक सो आई वाज लाइक टू स्क्रीनिंग फॉर एन कोएगुलोपैथी हाउ कॉमन इज कोएगुलोपैथी आफ्टर आईयूटी मैम अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन इफ प्लेटलेट्स आर नॉर्मल देन व्हाई यू विल डू फिब्रिनोजेन एंड एपीटीटी उसमें आप क्या देखना चाहते हैं प्लान हर डिलीवरी सो बिफोर दैट आई हैव टू सी अच्छा जी बस सिर्फ इनके क्वेश्चंस आप क्वेश्चन और आंसर्स नोट करते जाओ ठीक है तो फिर इसमें एक्चुअली द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज 29 वीक्स यस मैम एंड सिर्फ फिजियोफंडल हाइट इज 36 सेंटीमीटर वेयर यू विल फिट इट इसका जवाब दे दो फिर हम अल्ट्रासाउंड की वो डिस्कस कर लेते हैं Why there is discrepancy between the duration of pregnancy and the symphysiofundal height? 29 or both 36, almost a difference of 7 weeks. Yes. Here. Ma'am, it might be mistaken dates, but on patient is short. Patient was sure that she was on first prednisone. In this case, what is the reason? Ma'am, it, the cause is non-immune. यू सेड दैट एस्टिमेटेड फीटल वेट इज 2 kg यस मैम ऑन एग्जामिनेशन इट वाज इजी टू पल्पेट द फीटल पार्ट्स यस मैम देयर इज नो यू डिड नॉट नोटिस एनी एक्सेसिव लाइकर नो मैम नो लाइकर वाज नॉर्मल But symphysiofundal height was correspond to 36 weeks. 36 weeks baby having a estimated fetal weight of 2 kg. Yes, ma'am, on my clinical examination. 2 kg, बहुत exact estimation है. Plus minus 0.5. चलो,
अब इसमें हाउ यू विल प्रोसीड ऑन, हाउ यू विल गो फॉर द मैनेजमेंट इन दिस केस? First of all, I will confirm my diagnosis on ultrasound. मैम अल्ट्रासाउंड की मैम फाइंडिंग में आपको बता देती हूँ. मैम इसकी जेस्टेशनल एज थी 30 वीक्स की और मैम देर इज एक्सेसिव इंट्रा एब्डोमिनल एसआईटीज थी. लेटर वेंटिकल वर डायलेटेड एंड इट वाज अबाउट 1.4 सेंटीमीटर और मैम देर इज ग्रॉस स्किन एडिमा. ग्रॉस स्किन एडिमा. स्किन एडिमा. अच्छा, आप क्या करोगे? ब्रीच प्रेजेंटेशन. आपके पास अब सारी इन्वेस्टिगेशन है, सब आपको अल्ट्रासाउंड की पिक्चर भी पता चल गई, आप इसमें इसको कैसे मैनेज करोगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसिल द कपल रिगार्डिंग द डायग्नोसिस. देन मैम आई विल दे ऑलरेडी नो इट. यस. Then I will investigate the patient. I will assess. We have gone through all investigations. I anticipating the complication and their management. And then what complication you are anticipating in this case? Ma'am, there is a risk of coagulopathy. There is risk of PTH. कोएगुलोपैथी रिस्क वो आपने इनिशियली एवेलुएट कर लिया के एट द मोमेंट देयर इज नो कोएगुलोपैथी. मेल प्रेजेंटेशन एंड मैम द प्रोलॉन्ग्ड लेबर इन दिस केसेस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ पीपीएच. देयर इज रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन दिस पेशेंट एंड दीस आर द कॉम्प्लिकेशंस. फिर आप क्या करेंगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मैम हर कोएगुलेशन प्रोफाइल इज नॉर्मल. आई विल द ऑप्शन ऑफ मैम आई विल काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग द ऑप्शन ऑफ हर मोड ऑफ डिलीवरी दैट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड द इंडक्शन ऑफ इट. मैम एज माई पेशेंट कम फ्रॉम नारनवाल शी वॉज शी रिक्वायर्ड इमिजिएट डिलीवरी सो आई विल ऑफर हर इंडक्शन ऑफ लेबर एंड देर इज़ नो कोएगुलोपैथी. देर इज़ नो प्लेसेंटल अब्रप्शन. नो मैम सेप्सिस. सो आई विल इंड्यूस हर विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स. हर विच प्रोस्टाग्लैंडिन? मैम प्रोस्टाग्लैंडिन E1. अच्छा, E1 known by the name of? मैम ग्लैंडिन प्रोस्टिन. प्रोस्टिन ग्लैंडिन के क्या? मैम सॉरी E2. मैम कंफ्यूज कर दिया. मैं मीसोप्रोस्टोल ठीक. अच्छा, फिर कैसे इंड्यूस करोगे? मैम आई विल इंड्यूस हर विद 25 टू 50 माइक्रोग्राम 24 आवर्स. उसको इंड्यूस करेंगे. कितनी मिलीग्राम? 25 माइक्रोग्राम. और किस तरह से दोगे? 4 आवरली. और कितनी डोजेस दोगे? कितनी डोजेस दोगे? मैम 4 डोजेस. एंड हाउ यू विल प्रिपेयर अ 25 माइक्रोग्राम टेबलेट? 1/8. उसको कैसे बनाओगे 1/8? तो उसको एक छोटी सी टेबलेट को 1/8 में कैसे कन्वर्ट करोगे? चार पीसेस करोगे तो वो तो 50 माइक्रोग्राम बन जाएगी. दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स जो आपने करनी होती हैं. फिर क्या करोगे? शी इज ग्रेविडा 6 पैरा 5 नाउ. चलो आगे चलो. और फिर क्या करें? पर वजाइनल रखेंगे. ठीक है. फिर एंड देन मैम आफ्टर 2 आवर्स की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होती. देन आई विल रिपीट इट आफ्टर 4. वो तो 4 आवर्स के बाद तो आपने 5 डोजेस दे दी ना. सपोज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल ऑफ कोर्स द पेशेंट डजंट स्टार्ट एनी कॉन्ट्रैक्शंस. यस मैम. तो फिर क्या करोगे? सिंटो के साथ भी हम उसको ऑगमेंट कर सकते हैं. बिशप उसका अगर बेहतर हो जाए. ऑगमेंटेशन मींस ऑलरेडी पेशेंट इज इन लेबर. यस मैम.
but with inadequate contraction. Yes, ma'am. But if the labor has not been started, then how you can augment the labor? Is it called augmentation? Here? Ma'am, step thodi si dose increase karne. क्या करेंगे डोज को इंक्रीज कर किसकी डोज को मैम उसकी ग्लैंडिन की डोज को इंक्रीज कर अच्छा चलो ग्लैंडिन नहीं हम मेसोप्रोस्टोल कर रहे हैं तो जब हमने लास्ट डोज उसकी दी तो उसकी डोज इंक्रीज कितने आवर्स के बाद फिर हम करेंगे मैम 4 आवर्स के बाद अगेन आफ्टर यानी 6 डोज भी आप 4 आवर्स के बाद दे रहे हो और डोज इंक्रीज कितनी करेंगे मैम 50 तक लेके जाएंगे 50 माइक्रोग्राम ठीक है फिर 50 हम कितनी दफा देंगे मैम 24 आवर्स के लिए मैम हम देते हैं फिर 24 आवर्स का हम रेस्ट देते हैं अच्छा फिर हम उसके आफ्टर 24 आवर्स देन वी स्टार्ट सो यू मीन के आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स इंडक्शन इफ इट फेल्स देन यू विल गिव अ रेस्ट ऑफ 24 आवर्स एंड देन यू विल री इंड्यूस विद डबल डोज यू मीन टू से दैट यस मैम सपोज डिड नाउ शी हैज स्टार्टेड विद द लेबर एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट व्हिच इज ब्रीच नाउ is not coming down kya karoge what is the reason for it and that is not coming down mam augment kar sakte hain usko labor theek thak chal rahi hai uski cervical dilatation bhi ho rahi hai but the fetal presenting part is not coming down hum arm kar sakte hain ऐसे ही होता है भाई बहन अच्छा चलो ए आर एम कर दिया फिर भी डिसेंड नहीं कर रहा और क्यों डिसेंड नहीं करेगा इस केस में मैम फीटल एडिमा मैम वो स्किन एडिमा है स्किन एडिमा अच्छा एब्डोमिनल एसाइटिस है बेबी हां शी इज मल्टी इसका सेकंड स्टेप तो फिर वो उसकी फीटल एसाइटिस अगर नहीं वो उसको नीचे आने दे रही तो फिर क्या कर सकते हैं पेशेंट ग्रेविडा 6 पैरा 5 है ग्रैंड मल्टी पैरा ठीक है और उसको हम इंड्यूस के ऊपर इंड्यूस किए जा रहे हैं फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर वाली चीज़ें डेवलप हो रही हैं साउंड गाइडेड हम उसकी वो कर सकते हैं अगर ये प्रॉम्प्ट ना करते तो आप क्या कहती हैं मैम दैट इज इन आवर हॉस्पिटल दैट इज नॉट क्योंकि इमरजेंसी में बहुत नहीं मिलता है अच्छा चलो ठीक है अब चलो डिलीवर भी हो गई आपकी ज़िंदगी हम आसान कर देते हैं डिलीवर हो गई अब क्या करोगे मेल फॉर्म ग्रॉसली हाइड्रोपिक बेबी हैज बीन बॉर्न नाउ ऑल द पिटेशन फॉर हर एग्जामिनेशन एंड I will do the active management of third stage of labor because there is increased chances of retaining placenta. And ma'am, after delivery, I will keep her in. Ma'am, I will keep her in the postnatal ward. And I will assess her for the PV bleeding. Ke liye, ma'am. She has started heavy bleeding now, as it was expected already and anticipated. Then what? Even after the active management of third stage of labor. Then, ma'am, I will. I will go for. अब तो PPH हो गया ना? PPH हो गया, ma'am. I will go for her blood transfusion. Blood transfusion की तो आपने ना arrangement किया ना उससे बात की है कोई? नहीं लेकिन आपने उसकी उसको एंटीसिपेट तो किया yes. लेकिन उसकी अरेंजमेंट कोई नहीं की क्रॉस मैच करके रखी तो ये पहले जो कॉम्प्लिकेशन आप एंटीसिपेट कर रहे होते हो आइडियली yes, आप उसकी प्रोफाइलेक्टिक अरेंजमेंट मैनेजमेंट का बंदोबस्त पहले से करते हैं yes, ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को पीपीएच हो गया क्योंकि ग्रैंड मल्टीपैरा भी है yes, फिर ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस भी है yes, ठीक है तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट शी माइट गो इनटू हालांकि इसकी हीमोग्लोबिन 11.2 है बट इवन देन यू विल मेक फुल प्रिपरेशन फॉर डीलिंग विद दैट पीपीएच जो इसको हो सकता है अब इसको ये पेशेंट 36 ईयर्स की हो गई ठीक है एंड नाउ शी इज पैरा 5 पैरा 6 बल्कि एंड 5 वाला इश्यूज इसको और क्या इसको क्या
क्या कॉन्ट्रासेप्शन, उसकी भी बात आपने उससे अभी की ही नहीं है डिलीवरी से पहले, तो क्या कॉन्ट्रासेप्शन इसको ऑफर करोगे? मैम परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टरिलाइजेशन। वो एकदम से तो पेशेंट उस ट्रॉमा से भी नहीं निकली और आप उसकी ट्यूबल लिगेशन की बात कर रहे हो। दिस यू शुड हैव टॉक्ड इन एंटीनेटल पीरियड बिफोर डिलीवरिंग द बेबी। ठीक है, सो वी हैव फिनिश्ड विद हर वाइवा, जो हाफ आवर का इसका था। तो इसमें बाज़ दफ़ा कॉन्ट्रासेप्शन तक पहुँचने की भी नौबत नहीं आती, हाँ, क्योंकि हमने रैपिडली इसको रैप अप कर लिया सारी चीज़ों को के। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर को अगर कोई चीज़ एक पसंद नहीं आई तो वो उसी को लेके चल पड़ेगा, एंड एज अ रिज़ल्ट यू डोंट गो टिल द स्टेज ऑफ डिलीवरी एंड ऑफ पोस्टपार्टम केयर। ठीक है, इसमें पोस्टपार्टम केयर पे ज़ाहिर है कॉन्ट्रासेप्शन का भी बहुत रोल था। जो चीज़ें आपने पोस्टपार्टम पीरियड में इसको करना है उसकी पेशबंदी पहले से कर लो। उसका PPH भी मैनेज कर लो, की सारी तैयारी भी अभी से ही करनी है, उसका ट्यूबल लिगेशन की भी बात अभी से कर लो। शी हैज़ 5 लाइव इश्यूज, व्हाट एल्स शी नीड्स, और इसके अलावा जो उसका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो आपने भी उसको एड्रेस करना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि ये उसकी जो IUD है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हर हिस्ट्री, शी हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम टू नरेट हर हिस्ट्री, क्योंकि जो इनिशियल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन होता है उसमें सिर्फ आपके पास 8 मिनट होते हैं जिसमें आपने पूरी हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री वॉज टू लॉन्ग, इतनी लंबी हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी ये कि इन्होंने बहुत सारा टाइम जो था वो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ही बताने में लगा दिया। तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी समराइज्ड, यानी अगर फ़र्ज़ किया पहले 4 बच्चों की प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, पोस्टपार्टम पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसको कलेक्टिवली बता दो। और उसके अलावा अगर हाइपरटेंशन हुई है इन द लास्ट प्रेगनेंसी तो सिर्फ उसको अलहदा से बता दो। बाई दिस यू कैन सेव योर प्रेशियस टाइम, पेशेंट से भी पूछने में और उसको लिखने में भी और उसको बताने में भी। ठीक है, तो इसमें इतना लंबा टाइम आपने नहीं लेना होता। फिर बहुत सारी चीज़ों की जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सके। बेसिकली दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो जो इन्वेस्टिगेशन आप बताओ उसकी बिल्कुल जस्टिफिकेशन आपको पता हो। शी वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड ऑन मैंशनिंग द बेसिकली द कॉजेज फॉर दिस IUD के, इसमें क्या है और उसको हमने कैसे फिर उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। ठीक है, यू हैव नो आइडिया ऑफ टॉर्च इन्फेक्शंस एंड पार्वोवायरस, हर वायरल इन्फेक्शन ये वाली पिक्चर नहीं देता। हाइड्रॉप्स फिटालिस में सिर्फ एक ही वायरस का जिक्र आता है, दैट इज़ पार्वोवायरस। और हाइड्रॉप्स फिटालिस यहाँ पे भी होता है, उसका उसकी रीज़न कोई भी हो, बट द अल्टीमेट मैकेनिज्म इज़ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड फीटल एनीमिया लीडिंग टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, या फिर कोई ऐसी कार्डियक कॉजेज जिसकी वजह से उसका हाई आउटपुट फेलियर हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जाहिर है ये होगा तो नॉन इम्यूनिक, क्योंकि इसमें सारा स्कैल्पोडीमा, फीटल एसाइटिस, लेकिन इसमें जो एक चीज़ नहीं थी वो पॉलीहाइड्रामनियोज नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? जो कि विच इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हाइड्रॉप्स फिटालिस फीटस, जो कि उसमें होता है। व्हाई शी वाज नॉट हैविंग पॉलीहाइड्रामनियोस? मैम पॉलीहाइड्रामनियोस इज द अल्ट्रासाउंड वी आर डूइंग, वी डू द AFI एंड मे बी इन द अपर नॉर्मल लिमिट नंबर 1, दस वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल नॉट डू द मीन वर्टिकल पूल। मैम उसका AFI नॉर्मल था, क्लिनिकली भी नहीं था और क्लिनिकली भी नहीं था और अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं था। वाई? हाँ, हाँ जी, वन वीक से आई यू डी है, इसलिए हो सकता है कि इनिशियली अगर हम करवाते तो ये पॉलीहाइड्रामनियोज ही होता, लेकिन जब एक दफ़ा फीटस डेड हो जाता है उसका वो लाइकर उतना नहीं रहता, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट तक पे चला जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न हम उसमें ये, क्योंकि क्लिनिकली भी उसका पेल्पेबल नहीं था, फीटल पार्ट्स वर इजीली पेल्पेबल एंड हाँ मतलब ये कि इजीली उसमें प्रेजेंटेशन और सब चीज़ें असेस होगी। ज़ाहिर है इतना जो उसका डिफरेंस था बिटवीन जेस्टेशनल एज एंड द फंडल हाइट, दैट वाज ड्यू टू ग्रॉस फीटल एसाइटिस।
लेकिन जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन से और फीटल यूरिनेशन से जो लाइकर की अमाउंट बननी थी वो तो प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो इसलिए वो अब पॉलीहाइड्रामनियोज अगर पहले था भी तो अब नहीं है। तो इसको उस तरह से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के हिसाब से इसको मेंशन करो। मैम इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पर्वोवायरस का IgM और IgG कराएंगे सेरोलॉजीज की? देखो इसमें चूँकि कोई उस तरह के स्पेसिफिक हिस्ट्री उस तरह से तो नहीं हमें मिली, लेकिन बात यह है कि आप इन्वेस्टिगेशन वो कराओगे जो कि मौजूदा मैनेजमेंट में या अगली मैनेजमेंट में आपको हेल्प करें। नाउ द IUD हैज़ अकर्ड हाइड्रोक्सीफिटेलिस के साथ इनिशियल स्टेजेस पे नॉन इम्यून इफ द फीटस इज अलाइव फिर करवाने का फ़ायदा भी है, लेकिन वंस द IUD हैज़ अकर्ड तो फिर आप उसको IgM IgG करवा के इतनी ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन करवा के पेशेंट की कॉस्ट बढ़ा के एंड दिस फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, उसमें क्या फ़ायदा गेन करोगे? नथिंग। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन वो ना बोलो जो कि जिसका फ़ायदा कुछ नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने जो थायराइड फंक्शन बोले उसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें। देखो हर IUD का केस डिफरेंट होता है। अब हम अगर IUD की बात करते हैं कि IUD हो जाए तो थायराइड फंक्शन भी करवाओ, लेकिन नॉट विद दिस पिक्चर ऑफ हाइड्रोक्सीफिटेलिस, उसमें ज़रूरत ही नहीं है, उसका मैकेनिज्म ही फ़र्क है, पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है। यही होती है आपकी बेसिकली इंटेलिजेंट क्लिनिकल असेसमेंट कि आपने किस पेशेंट में क्या कराना है, चाहे आपको एक लिस्ट दी हुई है कि ये सारे टेस्ट करवा लें IUD में डेड फीटस में, लेकिन कहीं कहीं उस पिक्चर से हट के भी कोई पिक्चर आ जाती है, लाइक इन दिस केस जिसमें हाइड्रोक्सीफिटेलिस वाली पिक्चर है, तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है कराने की। बाकी जहाँ तक LFTs और RFTs का ताल्लुक था वो किसी हद तक जस्टिफाइबल है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, लेकिन 140/90 भी इतनी नहीं होती कि उस पर आप सारा प्रोफाइल करवाने बैठ जाओ। अगर ये उसी रेंज पे चल रहा है और पेशेंट का दरमियान में कभी कोई हाइपरटेंसिव एपिसोड्स नोट नहीं हुए तो 130/90, 140/90 पेशेंट एंग्शियस है उसमें उसका सिस्टोलिक BP बढ़ भी सकता है, 150 को तो हम उससे भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज शी इज़ नॉट अ क्रॉनिक केस ऑफ हाइपरटेंशन, लेकिन चलो उस हद तक तो हम कह सकते हैं। अमंग द कोएगुलेशन प्रोफाइल प्लेटलेट की बेसिक सिग्निफिकेंस है एंड देन कम्स द फिब्रिनोजन। और कोएगुलेशन प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो हमें कोएगुलेशन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक कोएगुलेशन सिस्टम का भी पता होना चाहिए। व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इन इंट्रिंसिक सिस्टम एंड व्हाट APTT इज मेंट फॉर। APTT जो हम करवाते हैं वो किस लिए करवाते हैं, कौन सा सिस्टम हम कर रहे होते हैं इसमें चेक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जब IUD जो डेड फीटस होता है तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन डिस्टर्बेंस क्या होता है, कंसम्प्टिव कोएगुलोपैथी, एक्सट्रिंसिक पाथवे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज होती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे इज मोर इम्पॉर्टेंट विद द डेड फीटस। फिब्रिनोजेन सबसे पहले कंज्यूम होती हैं एज वेल एज द प्लेटलेट्स, तो इसलिए प्लेटलेट्स अगर आप इसमें कंजर्वेटिव थेरेपी पे जाते हो तो फिर इसमें प्लेटलेट और फिब्रिनोजेन को आपने वीकली इंटरवल पे करवाना है। एंड हाउ कॉमन इज दैट, ये भी मेरा एक सवाल था, आफ्टर 4 वीक्स 10%, लेकिन इसमें रैपिडिटी ऑफ प्रोग्रेस इज समटाइम्स आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, स्पेशली ये अब्रप्शन के केसेस में ज़्यादा होता है। अब्रप्शन के केसेस में ये 4 हफ्ते वाला रूल अप्लाई नहीं होता बिकॉज देयर द थ्रोम्बोप्लास्टिन्स आर रिलीज्ड एट अ मच मोर फास्टर रेट जो कि इनिशिएट कर सकते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को, और उसमें PT जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बात वक्त कुछ घंटे की अब्रप्शन होती है जो DIC में ले जाती है, ये आप लोगों की कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी, पेशेंट कम्स विद अब्रप्शन जस्ट अ फ्यू आवर्स बैक IUD, जहाँ पे अब्रप्शन के साथ IUD हो जाए वहाँ पे DIC भी ज़रूर एक्सपेक्ट करो, क्योंकि वहाँ पे ये वाली चीज़ फिर एप्लीकेबल नहीं होती, वहाँ पे बाज़ दफ़ा 1 घंटे के अंदर भी DIC हो सकती है। ठीक है,
अच्छा जी, बाकी हाइड्रोकेफलस इज नॉर्मली अ पार्ट ऑफ हाइड्रोप्सिफेलिस सिंड्रोम? नहीं, इसमें प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, पेरिटोनियल एसाइटिस हो सकती है, बट नॉट द हाइड्रोकेफलस. सो दिस वी कैन टेक जस्ट एज एन एरर ऑन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम इसमें हाइड्रोकेफलस को इसका एक हिस्सा समझें, और इट जस्ट मे बी एन इंसिडेंटल फाइंडिंग. क्योंकि हाइड्रोकेफलस वो चीज़ है या वेंट्रिकुलोमेगैली वो चीज़ है जिसमें बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन होती हैं ऑन अल्ट्रासाउंड, कि वो कह देते हैं लेटरल वेंट्रिकल डायलेटेड, एक्चुअली वो नहीं होता. ARM का लफ्ज बोलना बहुत बड़ा क्राइम है डेड फीटस के साथ. क्यों? अनलेस जस्ट अबाउट टू डिलीवर. रिस्क ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन? असेंडिंग इन्फेक्शन. वो तो होता ही है असेंडिंग इन्फेक्शन, लेकिन किस टाइप का इन्फेक्शन? एनएरोबिक इन्फेक्शन जो डेड टिश्यू पे होता है, और वो बहुत जल्दी से सेप्सिस में ले जाता है पेशेंट को. इसलिए इसमें ARM, अनलेस इट इज़ इंडिकेटेड अदरवाइज, जैसे बहुत सीवियर एब्रप्शन के केसेस में जिसमें हमने थोड़ा सा रैपिड और बिल्कुल फ्रेश IUD है उसमें हम कर सकते हैं, या बिल्कुल एट द एंड ऑफ लेबर जहाँ पे हमने अब ARM करके उसको थोड़ा सा स्पीड अप करना है वो, लेकिन नॉट टू बी टेकन एज, नॉट टू बी यूज एज अ मैथड ऑफ इंडक्शन, और बहुत अर्ली लेबर में भी उसको नहीं किया जाता. ठीक है मैम, हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि द कॉज इज इंफेक्शियस या कोई कंजेंटल एनोमली थी, जैसे कार्डियक फुट एनोमली थी. कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीस टू? देखो, जहाँ पे ग्रॉसली हाइड्रोपिक फीटस होता है ना, उसमें इवन कंजेंटल एनोमली पे जो डिसमॉर्फिक फीचर्स होती हैं वो भी हमें इतनी क्लियरली पता नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें ऑब्सक्योर हो जाती हैं. और दूसरा ये कि इसमें जो बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि जस्ट टू नो द कॉज इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट विद दिस डेड फीटस नाउ, जिसमें कि हम अल्टीमेटली एब्लिगेशन का भी सोच रहे हैं, बट वंस द बेबी इज डिलीवर्ड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज द फाइनल, बेसिकली द फाइनल मेथड ऑफ असर्टनिंग अ कॉज ऑफ दिस डेड फीटस. तो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका तो वही होता है कि जिसमें आपने कोई ना कोई फीटल टिश्यू लेके आप उसको स्टडी कर लो, और अगर उसका पेशेंट इजाज़त नहीं देता तो प्लेसेंटा का ही टिश्यू लेके चेक कर लो, उसका बाकी आप एक्सरे लेके उसकी कोई जो है बाकी स्केलेटल एबनॉर्मैलिटीज वो देख सकते हो. अल्ट्रासाउंड पे तो हमें इंट्रायूटराइन भी चीज़ें कुछ पता चल जाती हैं, लेकिन एक फीटस जो डेड है उसमें कार्डियक एनोमलीज का भी हमें पता नहीं चलता, अनलेस आप सारी वॉल मोशंस और सारी चीज़ों को देखें, उसकी वेल्व्स को, वॉल मोशंस को देखें इन एन अलाइव फीटस जैसे हम देखते हैं. तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो एक डेड फीटस में हम पूरी तरह नहीं देख सकते, एंड दैट इज़ वाई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बिकम्स मैंडेटरी इन सच केसेस, बट दैट इज़ लिंक्ड विद द कंसेंट गिवन बाय पेरेंट्स. प्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्च का बेसिकली मेरा मतलब ये था कि जब टॉर्च इन्फेक्शन होता है तो क्या फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या ये वाली होती है? ये तो हर किस नहीं होती, उसमें तो और तरह का स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एनोमलीज जो टॉर्च इन्फेक्शन के साथ होता है, और वो भी जस्ट फॉर द फर्स्ट एपिसोड की ज़्यादा इंसिडेंट्स होता है, फॉर द नेक्स्ट कमिंग एपिसोड्स तो उसकी पार्शियल इम्यूनाइजेशन होती है, द रिस्क जस्ट बिकम्स 2% विद द ऑन गोइंग फीटसिस. वो तो फर्स्ट टाइम अगर हुआ तो फिर उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो है इसके साइन सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं, ये जो इन्फेक्शन मेटर्नल साइन सिम्टम्स. लेकिन ये है कि हम इसमें अगर फ़र्ज़ किया ये आ जाती हैं कोई अबनॉर्मैलिटीज़ उस तरह की, कोई माइक्रोकेफली है या इंट्रायूटरिन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, नॉट रिपीटेडली बट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर हम उसमें किसी हद तक इसकी वो आ जाती है वैलिडिटी, अदरवाइज इसकी नहीं. इसका रोल बड़ा क्वेश्चनेबल है, अब बहुत क्वेश्चनेबल है. और उसे मैम हम लोग सीरोलॉजी नहीं करेंगे क्योंकि सिग्निफिकेंस नहीं है उस सीरोलॉजी की, फिर करवाने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन जहाँ पे के आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट भी कर सकते हैं वहाँ पे आप कर लें, एक्सेप्ट रूबेला. रूबेला को ट्रीट नहीं करते, उसमें टर्मिनेशन नहीं होती है. लेकिन बाकी जो साइटोमेगालोवायरस है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस है उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, वो आप कर लेते हैं, स्पेशली फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस. हाँ जी, टू क्वेश्चंस हैं. एक, जिस तरह पेशेंट का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अब इस तरह के एबीओ इनकंपैटिबिलिटी के लिए डू वी चेक द हस्बैंड ब्लड ग्रुप?
नहीं देखो अगर पॉजिटिव तो नहीं होता, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मदर का है तो फिर आप इतने सारे घड़े अपने लिए क्यों खोद रहे हो? क्या हस्बैंड का ब्लड ग्रुप हम चेक करेंगे एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी को, उसके साथ भी ये वाला पिक्चर नहीं आती तो उसमें फिर खाम का अपने आप को अननेसेसरी चीज़ों में ना उलझाओ, वरना फिर आखिर डिलीवरी तक का टाइम नहीं फिर आता होता। आधे घंटे के वाइवा में जैसे इनका आधे घंटे का हमने वाइवा लिया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने इंटेंशनली कि ताकि ये डिलीवरी तक पहुँच जाए, वरना बड़ी आसानी से ये दाएँ बाएँ ली जाई जा सकती थी, बहुत आसानी से। जो चीज़ें इन्होंने हमें कुछ इस तरह की उलट पुलट बताई थी उसमें बहुत आसानी से वाई वाई इधर उधर जा सकता है। देखो रुबेला की जो है ना आईजीजी हम बेसिकली करवाते हैं इन फर्स्ट ट्रेमेस्टर, या क्योंकि देखो अगर अब बात ये है कि आपका फोकस इसमें किस पे है, आर यू ऑफरिंग हर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन और सम इंटरवल कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि अगर तो पेशेंट को आपने फाइनली वो कर देना है लाइगेशन कर देनी है विच शुड बी द एम इन दिस केस, ठीक है ना, इसमें 5 लाइव बच्चों के साथ और 36 इयर्स की वो हो गई है, अब उसने कितने साल और बच्चे पैदा करने हैं, 5 भी बहुत है, मोर देन एनफ, तो मैनेजमेंट स्टरलाइजेशन ही है इस पेशेंट, तो उसमें परमानेंट स्टरलाइजेशन फिर उसकी करो, फिर उसमें इस तरह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी 95% पॉपुलेशन इम्यूनाइज है थ्रू MMR वैक्सीनेशन। लेकिन जो एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एनोमली हो या ना हो, आईयूडी हो या ना हो, रुबेला वैक्सीन रुबेला का जो स्टेटस है वो डिटरमिन करना ज़रूरी होता है, सो दैट इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट इम्यूनाइज्ड मीनिंग दैट आईजीजी इज़ नॉट पॉजिटिव। वैसे लोगों को आईजीजी पॉजिटिव की रिपोर्टों पे भी मैंने जो ना टर्मिनेशन करते देखा है, वो तो बस क्या ही कहने, लेकिन यह है कि अगर आईजीजी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर पोस्टमार्टम आप वैक्सीनेशन उसको ऑफर कर सकते हैं। डेड बच्चा है यार, इसमें क्यों करोगे? अगर उसका फर्ज किया फीटल एसाइटिस की वजह से इतना है तो जस्ट ड्रेन इट। अगर आप वेजाइनली उसको नहीं अप्रोच कर सकते, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ब्रीच का कुछ हिस्सा नीचे आ गया, लेकिन अब्डोमन की वजह से वो एक ऑब्स्ट्रक्शन वो कर रही है ना, उसका जो डिस्टेंडेड अब्डोमन है, तो यू कैन हाइड्रोकेफलस को तो करते ही करते हो, लेकिन इसको भी कर सकते हो। डेड फीटस है, उसको वेजाइनली ही निकालो, सिजेरियन क्यों करोगे इसमें? हाँ मतलब देखो कोई और ऐसी वजह जिसमें मदर को हमने उसकी लाइफ को बचाना है तो वो तो आप कभी भी उस पर जो है वो पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको सिंपली इस तरह से एक आईयूडी का केस लें और हाइड्रोप्स फिटेलिस का केस लें तो उसमें ग्रॉस एसाइटिस इज एन ऑब्स्ट्रक्टिंग फैक्टर दैट कैन बी मैनेज्ड बाय ड्रेनेज ऑफ द एसाइटिस इधर वेजाइनली और एब्डोमिनली, उसमें फिर सेक्शन पे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी अच्छा, इंडक्शन की बात हो रही थी, इंडक्शन पेशेंट की जब भी करनी है ना उसका हमेशा बिशप स्कोर पहले असेस करो, इसको किए बगैर आप कैसे जा सकते हो? पेशेंट इज पैरा 5 ग्रेविडा 6 पैरा 5 ऑल विजाइनल डिलीवरीज, तो हो सकता है ऑलरेडी उसका बिशप स्कोर इतना अच्छा हो कि हमें उसमें इतनी लंबी इंडक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड फेवरेबल बिशप स्कोर इज लेबल एट व्हाट स्कोर? 8, 7 से ऊपर जो है ना फेवरेबल हम कह देते हैं, और लेकिन ये है कि इसमें उसके मुताबिक भी, मतलब अगर फ़र्ज़ किया सपोज उसकी फेज 1 भी अच्छी है, डायलिटेशन भी ऑल मल्टी पैरा है, तो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद ऑक्सीटोसिन ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि पैरा 5 है, ग्रैंड मल्टी पैरा है, उसमें जो है मैकेनिकल नहीं, शी इज़ कैरिंग अ डेड फीटस, उसमें रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन विद द फॉलिस कैथेटर, ठीक है, इसलिए वो वाली चीज़ें नहीं बोलनी। इसमें स्वीपनिंग का रोल और वो डिस्कस नहीं कर सकते, स्वीपनिंग में भी रिस्क ऑफ रप्चर होता है, ठीक है, और कितने केसेस हैं जो स्वीपनिंग हो रही होती है विद द स्टरलाइज्ड ग्लव्स? बहुत कम, तो वहाँ पे एग्जाम में भी वही करो जो प्रैक्टिकली आप करते हो। मसला ये होता है कि एग्ज़ाम में फिर जो है ना वो कुछ ड्रामास प्ले होना शुरू हो जाते हैं,
दूसरे हाथ पे भी ग्लव, इस हाथ पे भी ग्लव, स्टेरलाइज, और ये भी नहीं पता होता कि स्टेरलाइज ग्लव के साथ बाकी चीज़ों को नहीं टच करना। दो दो ग्लव्स तो पहन लिए होते हैं, लेकिन उसी क्लीन हैंड्स के साथ अब दुनिया जहान की चीज़ों को पकड़ रहे होते हैं कैंडिडेट्स। सो वॉट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दैट स्टेरलाइज ग्लव? उसका तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है फिर। तो ये भी पता होना चाहिए, ये रूटीन में जो काम कर रहा होता है ना उसको वहाँ एग्जाम में याद रहता है, वरना नहीं याद रहता। तो आप दूसरा ग्लव्स तो ज़रूर पहने, लेकिन अपना एक हाथ क्लीन ही रखें फॉर द विजाइनल इंटरनल विजाइनल एग्जामिनेशन। तो अगर आपने बिल्कुल स्टेरलाइज ग्लव पहने हों तो ही आपको पेल्विक भी बेसिकली करना चाहिए, स्पेशली इन विद अ डेड फीटस। और स्वीपनिंग ऑफ मेम्ब्रेन ना करो, और इसमें फॉलिस कैथेटर या बाकी और कोई मैकेनिकल मेथड्स नहीं करो, सिंपली प्रोस्टाग्लैंडिन्स विल बी सेफ, उसमें भी उसकी मिनिमम डोज पे। और उसका बिशप स्कोर, बिशप स्कोर जो है ना वो उसका पहले असेस करके फिर जाओ। फीगो की रिवाइज्ड डोजेज शेड्यूल आ चुका हुआ है इस साल का, जस्ट गो थ्रू दैट। लेकिन माइसोप्रोस्टोल इज एसोसिएटेड विद मोर टैकीसिस्टिस, यानी ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आने के उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर चाहिए एक रिलेटिव, एक वो हम कह सकते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट कॉम्प्लिकेशन, एक रिलेटिव कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन रिलेटिव भी हो तो वहाँ पे आप अवॉइड करते हो, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेस्टेशनल एज इसकी यूट्राइन डिस्टेंशन है। तो ऐसे पेशेंट में ये ना भी हो तब भी यूट्राइन रप्चर का तो चांस ज़्यादा हो जाता है मल्टी ग्रेविडस में। क्यों होता है? इसमें नहीं, वैसे ही मैं जनरली स्पीकिंग बात कर रही हूँ, मसल टू फाइब्रस टिश्यू रेशो उसकी ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें यूट्राइन ओवर एक्टिविटी को हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो कंट्रोल्ड तरीके से उसको लेबर को इंड्यूस भी करना चाहिए, अगेन बेस्ड ऑन बिशप स्कोर। बिशप स्कोर की असेसमेंट का लफ्ज कभी भी भूला ना करो जब भी लेबर इंडक्शन करनी हो। हाँ कर सकते हैं, मतलब जेल जो है वो वैसे ही 2 मिलीग्राम की होती है, जो टेबलेट है वो 3 मिलीग्राम की होती है, और बाकी ये साइटोटेक आपने माइसोप्रोस्टोल यूज़ करना है तो उसको 25 माइक्रोग्राम आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर ली, फिर उसके हिसाब से ये टर्म में है। क्योंकि जितना आप मतलब जो है प्रायर टू टर्म इंडक्शन करते हैं, यानी सपोज़ अगर आपने 30 वीक्स पे जितनी चाहिए इसकी इंडक्शन एजेंट की डोज, वो टर्म पे जाके तकरीबन आधी हो जाती है, बिकॉज द सेंसिटिविटी ऑफ द मायोमेट्रियल सेल्स टू दीज इंडक्शन एजेंट इंक्रीजेस क्लोज टू द टर्म, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से अगर आप P2B यूज़ करते हैं तो उसकी डोज है 12 मिलीग्राम इन 24 आवर्स, दैट इज़ रिड्यूस टू 6 मिलीग्राम इन 24 आवर्स एट टर्म, यानी 37 वीक्स बियॉन्ड। तो सिमिलरली इज़ फॉर द माइसोप्रोस्टॉल, तो उसमें डोंट यूज अ डोज ऑफ मोर देन 25 माइक्रोग्राम, प्रेफरेबली आफ्टर 6 आवर्स, लेकिन 4 आवर्स के बाद भी हम अकॉर्डिंग टू नीड कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ख़ास तौर पे इस तरह के मल्टी ग्रेविडा पेशेंट्स में। 25 माइक्रोग्राम का सोल्यूशन तो उसको डिसॉल्व कर। हाँ, अब दूसरी बात है कि इसको काटोगे कैसे। एक छोटी गोली को 8 हिस्सों में डिवाइड करना और वो 8 हिस्से बराबर के हिस्से हों, वो जस्ट नॉट पॉसिबल, कि किसी में 25 माइक्रोग्राम आ जाएगी, किसी में 30 आ जाएगी, किसी में 50 आ जाएगी, क्योंकि वो इक्वली 8 हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ होगा। पिल कटर के साथ भी आप 4 हिस्सों में तो डिवाइड कर सकते हो, 8 में फिर भी मुश्किल होता है। सो व्हाट शुड बी द अल्टरनेट? माइसोप्रोस्टॉल सॉल्यूशन, जो आप उसका सॉल्यूशन बना के और फिर उसको जो है वो उसकी इक्वल अमाउंट ऑफ डिवाइड करके, तो वो आप पेशेंट को ओरली फिर दे सकते हैं, उसमें तो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपने फ़र्ज किया 4 ml में भी किया है, 4 ml वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया और उसका 1 ml दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू अ डोज ऑफ 50 माइक्रोग्राम। और अगर आपने 8 ml में किया और उसमें 200 माइक्रोग्राम वाली टेबलेट को डिसॉल्व किया और उसका 1 ml दिया, दैट विल बी इक्वल टू 25 माइक्रोग्राम। तो उस लिहाज से जो है ना वो फिर उसकी डोज इक्वल हो जाती है सारे सोल्यूशन में, ठीक है।
और क्या सवाल था भाई? रिपीट आपने कहा था कि अगर नहीं हुई एक साइकिल में तो दोबारा रिपीट करेंगे, तो शी सेड आफ्टर 4 आवर्स। हाँ, डेड फीटस में देखो जो हमारी प्राइमरी अर्जेंसी ऑफ इंडक्शन होती है ना, इसका मतलब है दैट इज स्टिल देयर, जो प्राइमरी हमारी एक इंडिकेशन फॉर इंडक्शन है। तो टर्म अलाइव फीटस वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिफोर री इंडक्शन। एक डेड फीटस में आप 12 घंटे का वक्फा दें और दोबारा से इंड्यूस कर दें, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें क्या था? हाँ, BMI की जो कैलकुलेशन करते हो ना, बेसिकली उससे बेहतर होता है अगर आप हाइट और वेट को एज इट इज़ बता दें, क्योंकि ये जो BMI जो आपने इस वक्त किया 30 या 32 वीक्स पे, उसमें बहुत सारा वो भी वेट शामिल है जो प्रेगनेंसी में एडअप हुआ। सो बेसिकली द BMI इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू प्री प्रेगनेंसी वेट इफ यू नो इट, ठीक है। हेलो मैडम जी, जी कौन? अच्छा ठीक है, वेस्टर्म। हाँ जी जी जी, हाँ जी वेस्टर्म। नहीं नहीं, आज तो सैटरडे, डॉक्टर शबाना होंगी हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बस, अच्छा हाँ जी जी जी, डॉक्टर शबाना होंगी। ओके मैम, हाँ जी, एमनियोसेंटेसिस अगर वो आपने पूछा था कि अगर एमनियोसेंटेसिस, सॉरी मैम, पैरासाइट। अच्छा, दूसरा इन्होंने बोला था डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, उसमें भी ऐसा नहीं होता मैम। वो मैं आपको बता रही थी नॉन इम्यून हाइड्रॉफ के कॉसेस। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स में तो ये नहीं आएंगे डाउन सिंड्रोम और जो है ये टर्नर सिंड्रोम। हाँ, उन्होंने लिखा हुआ है एनाफिलेक्टोमा, लेकिन देखो ये यूजुअल सिनेरियो नहीं है, जो बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी होती है उसकी बात नहीं करते। ठीक है, हमेशा आप जो अपनी कॉजेज बताते हैं, सब चीज़ें बताते हैं, उसमें कॉमन चीज़ें हमेशा पहले, जो बहुत रेयर चीज़ें हैं उनको स्किप कर दिया करो, वरना रेयर चीज़ ही पिकअप हो जाएगी कि अच्छा इसमें कैसे होता। ठीक है, और एंड यूप्लॉइडी जो है ना, वो सिर्फ इसी में नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ों में एक को एग्जिस्टेंट वो होती है, पैथोलॉजी होती है। तो इसलिए इसको इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है ना वो नहीं बोलनी चाहिए, सिंपली कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज़। ठीक है, और कभी कभी कुछ इंटेस्टाइनल एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज़ आर द मोस्ट कॉमन कॉज इन नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स फिटालिस की जो कंजेनिटल कॉजेज हैं उसमें। ठीक है, हाँ जी, और क्या क्वेश्चन था इसमें मैम? उसमें था कि अगर हेड डिसेंट, वो डिसेंट नहीं हो रहा प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रीच, यस मैम, तो फिर हमने क्या किया? तो फिर उसमें उसकी वो करो, ये ड्रेनेज उसका करो एसाइटिक फ्लूइड का, इफ़ यू कैन नॉट अप्रोच इट थ्रू वेजाइना, यानी अगर इतना हाई अप है तो फिर इट इज़ बेटर टू डू इट एब्डोमिनली, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्लेसेंटा को लोकेट करके, लोकल लगा के फिर आप उसको कर सकते हो, जस्ट लाइक यू डू एमनियोसेंटेसिस। क्योंकि अब वो ड्रेन जब होगा, जब वो कंप्रेस होगा, डीकंप्रेस होगा, तो फिर उसके बाद वो डिसेंड करेगा, जैसे आप हाइड्रोकेफलस हेड को करते हो। अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अल्ट्रासाउंड हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेड, चाहे हाइड्रोकेफलस हो, चाहे ये हो, चाहे एमनियोसेंटेसिस हो, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होती है सब। हमारे हॉस्पिटल में तो आपका कौन सा हॉस्पिटल? अच्छा, तो मैम वो तो फिर नीचे लेके जाके फिर, मैं वही कह रही हूँ ना, प्रेफरेबली थ्रू वजाइना, कि अगर आपका एब्डोमेन तक हाथ पहुँच रहा है तो फिर आपने बड़ी नीडल डाल के तो उसको निकाल लेना,
वो सबसे प्रेफरेबल मेथड है हाइड्रोकेफलस के लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन अगर आप विजाइनली अप्रोच नहीं कर रहे तो फिर आप एब्डोमिनली पे जाओगे। ठीक है इसी वजह से था ना कि उसका जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है। इतना बड़ा जिसका एब्डोमेन होगा वो ब्रीज तो नीचे आ जाएगा, एब्डोमेन वहीं फंस जाएगा। नहीं सेकेंड, अगर वो नीचे जाएगा, अगर फर्ज के फुल सर्वाइकल डायलिटेशन हो भी गई अव्वल, तो जब तक वो फीटल जो प्रेजेंटिंग पार्ट है अगर वो इल फिटिंग होगा तो दैट विल हैम्पर द फुल डायलिटेशन एज वेल। लेकिन अगर सपोज ये हो भी गया है फुल डायलिटेशन पे भी आप उसको नहीं अप्रोच कर पा रहे तो फिर उस सूरत में आप कर सकते हैं। ठीक है। और मैम डोज इंक्रीज नहीं करनी अगर फर्स्ट साइकिल हमारा जो है वो डोज इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको फर्ज किया पहली 5 डोजेस देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। कभी कभी मेथड ऑफ इंडक्शन भी चेंज कर दिया जाता है, यानी आपने अगर फ़र्ज़ किया ओरली पहले दी तो अब इसमें विजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो E2 वो आप यूज़ कर सकते हो। तो चेंज ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन आल्सो हेल्प्स इन सम केसेस कि आप उसको फिर डिफरेंट मेथड से जो है वो इंड्यूस कर दो। मैम इस पेशेंट को हम ओरली देंगे सोल्यूशन अगर बनाओगे तो ओरली ही दोगे, अदरवाइज बोथ वे ये प्रैक्टिकल है कि आप इसको विजाइनली भी दे दो बेशक। ठीक है। अच्छा जी, और इसमें कोई सवाल तो नहीं रह गया था? मैम आपने कहा था कि इसका वो पोस्टमार्टम मैम जो है उसकी करनी है डिप्रेशन के, मैम पोस्टमार्टम साइकोसिस हो सकता है इस तरह के पेशेंट का। हाँ तो उसमें क्या थी मुश्किल बात है? देखो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, नॉट ओनली पेशेंट बल्कि फैमिली की भी। तो ये जो साइकेट्रिक काउंसलिंग है जो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को एड्रेस करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बाकी सारी मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ। क्योंकि देखो पेशेंट ने कुछ जो सवाल पूछने हैं कि ये क्यों हुआ, बल्कि पेशेंट अभी भी पूछेगा इवन बिफोर डिलीवरी कि इस पेशेंट में डेथ की वजह क्या है, और इसके अलावा वो ये कि इसको अब क्या इसमें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का जो होता है ना क्वेश्चन ये भी होता है एज रिगार्ड टू द टाइम ऑफ डिलीवरी भी, कि इसमें ये एक आम कॉमन कंसेप्ट है कि शायद जहर फैल जाता है जिस्म में या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो भी आपने उसको सारी ब्रीफिंग या एजुकेशन उसके बारे में भी करनी है कि व्हाट इज़ द अर्जेंसी टू डिलीवर हर। अब जैसे ये पेशेंट बहुत दूर से आई है ऑलरेडी शी इज़ वेरी टेंस, तो इसमें तो आप कर सकते हो ना डिलीवरी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसे जो ऐसे डेड फीटसेस होते हैं दे डिलीवर विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स, इसलिए उनमें कोई अगर ऐसा हेलो जी जी वेस्ट टाइम हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा नहीं लेकिन क्यों डॉक्टर शबाना नहीं है वहाँ पे? हाँ अच्छा हाँ शायद इस वजह से फिर कह रही होंगी। चलो ठीक है फिर आ जाना 2:30 बजे। ठीक है लेकिन लगना जरूर हाँ लगना ज़रूरी है फिर। ठीक है चलो अच्छा चलो ठीक है वो कह देंगे। ठीक ओके। अब मैम मेरा क्वेश्चन है कि हाँ? ये जो डेड फीटस है अगर पेशेंट इस तरह आता है नॉन इम्यून हाइड्रॉक के साथ और बेबी अलाइव है तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करें? ये तो फिर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज शुरू होगी मैम, क्योंकि नॉन उसमें तो फिर कॉज का जानना बहुत ही जरूरी है मैम। इसमें तो ठीक है वो इसलिए कि नॉन इम्यून है तो फिर आपने एनोमलीज को भी देखना है, उसमें तो फिर उसकी कैरियोटाइपिंग को भी देखना पड़ेगा, उसमें इन्फेक्शंस को भी स्क्रीन करना पड़ेगा बिकॉज देन यू एम टू सेव द बेबी। और बेबी को सेव करने के लिए आपको पहले कॉज का जानना और उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। वायरल इन्फेक्शंस की मोमेंट ट्रीटमेंट नहीं होती, ठीक है ना, वायरस जितने भी होते हैं उनकी हम वो नहीं करते, सिर्फ कुछ हर्पीज वायरस या इस तरह जिसमें हम एंटीवायरल दे सकते हैं बट दैट इज़ जस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम स्पैन।
तो उसमें अगर कंजेनिटल एनोमली उसकी ऐसी हैं कि जिसमें उसका प्रोग्नोसिस फीटल प्रोग्नोसिस इज़ वेरी बैड आफ्टर बर्थ, तो उसमें भी हमें फिर प्रेगनेंसी को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए उस सिचुएशन में जहाँ पे बच्चा अलाइव है वहाँ पे फिर कॉज को देखना जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड यू हैव टू रूल आउट क्रोमोसोमल एनोमलीज एज वेल. फिर वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है कि मैम जो इस तरह के केसेस होते हैं हम उसको फीटल मेडिसिन यूनिट में रेफर करते हैं, बट इन आवर हॉस्पिटल वो चाहे मल्टीडिसिप्लिनरी का लफ्ज आप बोलो, फीटल मेडिसिन की यूनिट या फिजिशियन या जो भी पीडियाट्रिशियन, अल्टीमेट सवाल आप ही से होना, ठीक है, आप क्या इसमें करेंगे, आपकी अपनी ओपिनियन इसमें क्या है, ठीक है. चलो पूछ लो फिर मैं पूछती हूँ. This patient, our aim of contraception is sterilization. The patient is with IUD. The book में लिखा है कि if the patient have termination of pregnancy or stillbirth, do not straight away go with the sterilization. So how we will discuss with the patient? But you can talk with the patient. देखो अब अगर ये फ़र्ज़ किया ये होता कोई दो बच्चे या मतलब यंग एज पेशेंट होती उसमें हम ना करते, अगेन द सिनेरियो इज़ डिफरेंट. बट एज दिस पेशेंट इज़ 36 ईयर्स एंड हैविंग 5 अलाइव इशूज, और आप कह सकते हो कि ये ज़्यादातर के बच्चे की एबनॉर्मेलिटी की वजह से ऐसे होते हैं. अपेरेंटली हमें यही लग रहा है कि प्रॉबेबली कोई एनोमली ऐसी है जिसकी वजह से ये हो गया. तो नेक्स्ट टाइम भी इसके होने के आफ्टर 35 इयर्स इसमें एनोमलीज के होने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं. तो इस वजह से इसमें ये बेहतर है कि आप ये लाइगेशन की तरफ हम चले जाएं. सो टू सम एक्सटेंट यू हैव टू टॉक टू द पेशेंट इवन एट दिस स्टेज. वो ठीक है, वो जब मर्जी करो, बट एट लीस्ट यू हैव टू टॉक टू द पेशेंट, क्योंकि नॉन कम्प्लाइंट पेशेंट है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से उसका ताल्लुक है, और ये पेशेंट हो सकता है तुम्हारे पास फिर ना आए. सारी उसकी होम डिलीवरीज हैं, ऑलमोस्ट सारी. तो उस सूरत में डू यू एक्सपेक्ट द पेशेंट विल कम्प्लाई टू योर इंस्ट्रक्शंस? आई डाउट इट. तो इसलिए उससे ये जो बात करनी है, अगर फ़र्ज़ किया वो कहती है कि अच्छा मैं 2-3 महीने बाद कर लूँगी, देन डेफिनेटली यू हैव टू ऑफर आर इंटरवल कॉन्ट्रासेप्शन. आप PPIUCD रख के भेज सकते हो. ऐसा पेशेंट जिसके बारे में पता है कि ये मेरे पास हो सकता है 2 हफ्ते बाद भी ना आए, या जैसे बहुत दूर से आई हुई है, तो बहुत दूर से आना सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए उसके वो इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगी. वो कहेगी आखिर 5 बच्चे भी तो ठीक हो गए हैं, एक से क्या फ़र्क पड़ता है, और भी बच्चे पैदा कर सकती हैं. तो इस क्लास में कॉन्ट्रासेप्शन का इतना रिजिड कंसेप्ट नहीं होता, यानी वो इसको इतना बहुत ज़रूरी नहीं समझते. तो इसलिए हम इसको बहुत ज़रूरी समझते हुए हम इसको कुछ ना कुछ करके ही भेजेंगे. एंड द मिनिमम इज़ PPIUCD, कि जिसमें कम अज़ कम वो तो फिर उसके अपने हाथ में तो नहीं ना चीज़ रहती. मतलब वो रख सकते हैं अंडर कवर ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो हमने देना ही देना, ठीक है, क्योंकि सो फार देर आर नो साइन सिम्टम्स ऑफ सेप्सिस. अगर सेप्सिस के हों, वेजाइनल डिस्चार्ज हो, उस तरह की चीज़ हो, तो डेफिनेटली IUCD हम उसमें फिर अवॉइड की जाती है, ठीक है. मैम मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैम पेशेंट अभी भी अलाइव है, नॉन इम्यून हाइड्रोफ है, मैम उसमें मोस्टली जो बेबीज होते हैं उनकी 98% मोर्टेलिटी होती है, तो मैम उसको फिर हम अगेन इसलिए कि जो रीज़न बिहाइंड है अगर कार्डियोवैस्कुलर नॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत तो चल जाती हैं बच्चे अलाइव नॉर्मल, लेकिन अगर इतनी होती हैं तो तभी हाइड्रोप्स वाली स्टेज आती है. यस मैम. इसलिए या अगर पार्वो वायरस भी है तो उसमें आप कैसे ट्रीट करोगे उसको? मैक्सिमम आप ये है कि अगर कोई ऐसी रिवर्सिबल कॉज है आप उसमें फीटल एनीमिया को ट्रीट कर दो, बिकॉज द पैथोलॉजी बिहाइंड इज फीटल एनीमिया लीडिंग टू CCF. तो उसमें फिर जाहिर है आपको फीटल हीमोग्लोबिन, उसका हेमाटोक्रेट, उसमें सब चीज़ें चेक करके इंट्रायूटराइन ट्रांसफ्यूजन की तरफ फिर हमें जाना पड़ता है. लेकिन अगर ऐसी एनोमलीज होंगी तो उसमें क्या करोगे? वो एनोमलीज जिन्होंने हाइड्रॉप्स कर दिया, तो अवूमन वो उस तरह से ट्रीटेबल वाली चीज़ नहीं होती. ट्रीटेबल वाली चीज़ जो है वो तो फिर बेबीज आर बॉर्न विद वेल्वुलर डिफेक्ट्स या ASD, VSD, इन सब चीज़ों के साथ एंड दे सर्वाइव.
क्योंकि वो ट्रीटेबल एंड सर्जिकली रिपेयरेबल चीजें हैं. बट उस समय में इन्वेस्टिगेशन दे आर टू मच एक्सपेंसिव. ये पेशेंट आई है लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेट से, पर मैम तो हम उसको ऑफर करेंगे इस तरह के एग्जाम में हमने वो इन्वेस्टिगेशंस बोलनी है. कौन सी वाली इन्वेस्टिगेशन? मैम जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं मैम. देखो डेड फीटस के साथ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं. मैम अलाइव फीटस की बात है. अगर अलाइव फीटस है, देखो वही बात है ना कि हाई ड्रॉप्स में आप वजह जानते हो. यस मैम. ठीक है, अगर आपको कोई ग्रॉस उस तरह की एबनॉर्मैलिटीज पता चल जाती हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो फिर तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन अगर फ़र्ज़ किया फॉर अननोन रीजन, सपोज़ कि आपको कोई भी कॉज नहीं मिलती, देन कम्स द क्रोमोसोमल एनोमलीज वाली बात. देयर यू कैन डिस्कस विद द पेशेंट कि एक रेयर पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि क्रोमोसोमल एनोमलीज इसमें हो सकती हैं, एंड दैट वी कैन चेक बाय कैरियोटाइपिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. पेशेंट आपको परमिशन देगा तो आप करोगे. अगर स्टेट उसमें ऑफर नहीं करती फ्री सर्विसेज फॉर दिस टेस्ट, तो फिर तो पेशेंट की अपनी पॉकेट से ही जाएगा. तो पेशेंट की पॉकेट पे तब वो पेशेंट कहेगा कि अच्छा ये टेस्ट करवा के आप फिर क्या कर लेंगे. क्रोमोसोम एनोमली अगर डिटेक्ट भी हो गई तो क्या कर लोगे? ठीक है, उसकी रिकरेंस. उसमें सिर्फ ये है कि अगर उसकी फर्स्ट बेबी इस तरह से है तो आप उसमें रिकरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो. सिर्फ उसमें फ़ायदा ये होगा. और वो वाली चीज़ जो है वो तो आप पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे भी कर सकते हो. क्रोमोसोमल एनोमली आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, उसमें फिर वो भी चेक किया जा सकता है. ठीक है मैडम, इस केस में भी फौरन हम टर्मिनेशन पेशेंट को ऑफर कर देंगे, चाहे जिस भी गेस्टेशन पे हमारे पास आई है. ये वाली जो हमने डिस्कस की है चूँकि दूर से आई है, अगर देखो आगे अगर इनकम्पैटिबल विद लाइफ, तो फिर अगेन इट डिपेंड्स. आप उसमें जल्दी देखो टाइम जो होता है ना, अगर कोई ऐसी अर्जेंसी नॉट बेस्ड ऑन मेटर्नल इंडिकेशन, जैसे पेशेंट अगर ब्लीड कर रहा है या हाइपरटेंसिव है या और ऐसा कोई प्रॉब्लम है, देयर यू नीड एन अर्जेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर बाकी चीज़ें नहीं हैं तो डिस्कस विद द पेशेंट, और पेशेंट के साथ डिस्कस करके फिर आप उसमें जो है वो उसका टाइम ऑफ टर्मिनेशन डिसाइड कर सकते हैं. क्योंकि अमूमन अगर मेल फॉर्म्ड बेबी है तो पेशेंट भी उसको फिर बहुत ज़्यादा देर रिटेन रखना पसंद नहीं करता, तो उस सूरत में आप उसको कर सकते हो. आपकी एक इंडक्शन फेल हो गई, उसको हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा कर लो, उसमें फिर कोई बहुत अर्जेंसी तो नहीं है. प्लेटलेट फिब्रिनोजेन मिनिमम टेस्ट है, ये दो तो ज़रूरी करवाए जाते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि विद द डेड फीटस आप कम अज़ कम 3 हफ्ते में पेशेंट के लेबर में जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप 3 हफ्ते का टाइम पीरियड, अगर कोई पेशेंट दूर से नहीं आई, कंप्लायंट है, और आपकी ये जो आपने उसको ज़ाहिर बताना होता है कि हम वेट भी कर सकते हैं, हम डिलीवर भी कर सकते हैं, तो अगर उसको कोई अर्जेंसी नहीं है तो यू कैन वेट फॉर 3 वीक्स. ठीक है, चलो जी बस हो गया. हाइड्रोपिक बेबी है लेकिन कोई मैलफॉर्मेशन नहीं है ये तो सवाल आपने बच्चों वाला किया वैसे, इसलिए कि देखो ये हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं रूल होता. That is based on fetal hematocrit, उसका fetal, हमने उसमें बहुत सारी monitoring वाली चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर आप decide करते हो. ठीक है ना, उसमें fetal ultrasound parameters आ जाते हैं, fetal hemoglobin and hematocrit आ जाती है, ज़्यादातर fetal hemoglobin, और उसके अलावा जो है उसके ऊपर फिर बेस करता है कि आपने intrauterine transfusion अब देनी है और उसके बाद फिर आपने उसको repeat करनी है. कोशिश आपकी होती है 34 वीक्स तक ले जाओ इफ़ पॉसिबल. अगर नहीं है तो फिर कम अज़ कम आप उससे पहले भी डिलीवर कर सकते हो अगर फीटल कंडीशन डिटीरियोरेट कर रही है बावजूद रिपीटेड इंट्रायूटराइन ट्रांसफ्यूजन देने के भी. एंड दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल मैम हमारे हॉस्पिटल में, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं. फैसिलिटी इज अवेलेबल इन लाहौर इन प्राइवेट सेटअप. यस मैम, तो फिर हम इसको कैसे, जिसका कम अज़ कम वो 25-30 हज़ार लेते हैं एक इंट्रायूटराइन ट्रांसफ्यूजन का. फिर मैम हम किस तरह इस तरह के पुअर पेशेंट्स को कैसे फिर काउंसिल करें, और किस तरह? देखो उसमें वो आप ये चीज़ कह सकते हो कि देयर आर ए फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स इन दिस केस.
लेकिन ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इफ़ द पेशेंट कैन पेशेंट एग्रीज टू इट, तो फिर हम इसमें इंट्रायूटरिन ट्रांसफ्यूजन की बात कर सकते हैं. अदरवाइज विद द ऑन गोइंग फीटल हेमोलिसिस एंड एग्रीवेटिंग फीटल एनीमिया अल्टीमेटली द फीटस हैज टू डाई. दैट इज द फाइनल, बेसिकली द फाइनल स्टेज ऑफ दैट सिनेरियो कि जिसमें इंट्रायूटराइन फीटल डेथ उसकी होनी ही होनी है एट एनी स्टेज. और ये तभी होता है जब पेशेंट, मतलब ये नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स में तो ज़ाहिर पेशेंट मेटर्नल तो फैक्टर नहीं होते, लेकिन अगर ये इम्यून हो तो पेशेंट इज़ ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड, उसके हर आने वाले बच्चे में ये इफेक्ट होना ही होना है. ठीक है, और अगर ये नॉन इम्यूनाइज्ड है तो फिर तो ज़ाहिर ये एक नॉन रिकरेंट कॉज है ना, वो दोबारा से रिकर तो नहीं हो सकता. मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर तो नॉन इम्यून हाइड्रॉप है और मैम उसको हमने हम उसको मतलब अलाइव बेबी है, तो फिर मैम हम एग्जाम में कहेंगे कि हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे टिल टर्म, या मैम हम उसको जो है बहुत कम कॉजेज नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स की ऐसी होती हैं जिसको कंटिन्यू टिल टर्म आप कर सकते हैं. यस मैम यही मैं पूछ रही हूं, कंटिन्यू कर सकते हो और जिसमें बेसिकली जो कि थ्रेट टू लाइफ नहीं होती, बहुत कम ऐसी कोशिश होती हैं. हाइड्रॉप्स होता ही तब है जब वो इनकम्पैटिबल विद लाइफ हो जाती है, तो ये एक चीज़ आपके जहन में पहले ही होनी चाहिए. ठीक है, मैम फिर हम उसकी टर्मिनेशन करते हैं, अगर जाहिर है वो तो फिर आपको टर्मिनेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, ठीक, बस और तो नहीं कोई क्वेश्चन?